हम अपनी जिंदगानी के बजा दीजिए तालियां सारे लोग। हम अपनी जिंदगानी के सभी अरमान दे देंगे, हम अपनी जिंदगानी के सभी अरमान दे देंगे। छुपे रखेंगे जो करती मुती सामान दे देंगे, वाह वाह वाह। छुपे रखेंगे जो करती मुती सामान दे देंगे। वतन के वास्ते आजम ये सब चोटी के कुर्बानी, वतन के वास्ते आजम ये सब चोटी के कुर्बानी। अगर जो वक्त आया तो हम अपनी जान दे देंगे, वाह वाह वाह। क्या कहने हैं, ये है सज्जाद आजम लखीमपुरी, वाह वाह क्या कहने हैं, माशाल्लाह बहुत खूब, हम अपनी जान दे देंगे माशाल्लाह। तो फैल भाई की तरफ से बहुत ही कड़क नोट आया है, मैं उसको वाह पहली बार मुशायरे के अंदर देख रहा हूँ कि नजराना चल रहा है, वाह 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 माशाल्लाह। ये है लहरपुर के खूबसूरत सामाइन, अभी तक डाइज वालों की तरफ से आया है, अब मैं देखता हूँ कि सामाइन कितना नवाजते हैं। बहरहाल आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, कसम खुदा की जब मैं लहरपुर के अंदर आता हूँ मुशायरा पढ़ने के लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ता हूँ, लेकिन जब सगीर भाई मैं लहरपुर के अंदर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हुआ हूँ। क्या कहने हैं, वाह सामाइन इतने अच्छे, इतने जिंदा दिल है। एक बार जनाब सगीर भारती साहब के लिए तालियां बजा दीजिए सारे लोग माशाल्लाह। चार मिसरे और दोस्तों हाजिरी खिदमत कर रहा हूं, अगर सच्चे लगे तो अपनी दुआओं से नवाज देना। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि दोस्तों तारीख गवाह है कि अगर मुसलमान ना होते तो हिंदुस्तान नहीं होता। आज भी हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम होता दोस्तों, मुसलमानों ने ही इस मुल्क को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानों को नछावर किया, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से कोई नहीं भगा सकता है, जो भगाना चाहते हैं उन्हीं को हम पाकिस्तान भगा देंगे। सगीर भाई शेर देखिए, जो शिकस्ता है दिल वो जोड़ेंगे, बजा दीजिए तालियां एक बार। जो शिकस्ता है दिल वो जोड़ेंगे, जो शिकस्ता है दिल वो जोड़ेंगे। जुल्म की तेरा ध्यान किधर है, तेरा शायर इधर है, मुझे देखिए मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त कोई नहीं है। जो शिकस्ता है दिल वो जोड़ेंगे, जो शिकस्ता है दिल वो जोड़ेंगे। जुल्म की आंखें मिल के फोड़ेंगे, जुल्म की आंखें मिल के फोड़ेंगे। तेरे जुल्मों से डर के ऐ ज़ालिम, तेरे जुल्मों से डर के ऐ ज़ालिम, तेरे जुल्मों से डर के ऐ ज़ालिम। हम ये हिंदुस्तान छोड़ेंगे, कहने हैं वाह 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 जनाबे सज्जाद आजम जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये हिंदुस्तान छोड़ेंगे। दोस्तों अभी तबरेज अंसारी का वाकया कोई नहीं भूल सकता, सारे लोग जानते होंगे। दोस्तों मैं चार मिसरे और हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। हम जो तूफान से डर गए होते, हम जो तूफान से डर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते। हम जो तूफान से डर गए होते, रेजा रेजा बिखर गए होते। सपने का घोट पी लिया वरना, सब्र का घोट पी लिया वरना, सब्र का घोट पी लिया वरना। अरे जन कितनों के सर गए होते, वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जन कितनों के सर गए होते, फिर पढ़ दे, वाह जाने कितनों के सर गए होते, क्या कहने हैं।
हम जो तूफान से डर गए होते, हम जो तूफान से डर गए होते, वे जरे सा बिखर गए होते, सब्र का घोट पी लिया वरना, सब्र का घोट पी लिया वरना, जन कितनों के सर गए होते, जन कितनों के सर गए होते, जुल्म का पंजा मोड़ सकता हो। मुसलमानों की पहचान क्या है, मुसलमानों की कैपेसिटी क्या है, मुसलमानों की पावर क्या है, मुसलमानों की कुव्वत क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों की हिम्मत क्या है, मुसलमानों का अज़्म इस्तक़लाल क्या है। सज्जाद आज़म लखीमपुरी चार मिसरों के अंदर कहने की कोशिश कर रहा है, जुल्म का पंजा मोड़ सकता हूँ, जुल्म का पंजा मोड़ सकता हूँ, सारा होन सारा 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 होन सारा निचोड़ सकता हूँ, होन सारा निचोड़ सकता हूँ, अपना इस्लाम रोकता है मुझे, 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 वरना गर्दन मरोड़ सकते हैं। क्या कहने हैं, वाह, वरना गर्दन मरोड़ सकता हूँ, अपना इस्लाम रोकता है मुझे, वरना गर्दन मरोड़ सकता हूँ, वाह क्या कहने हैं, वरना 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 गर्दन मरोड़ सकता, क्या कहने हैं नौजवानों की तर्जुमानी कर रहे हैं जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी। वरना गर्दन मरोड़ सकता हूँ, वरना गर्दन मरोड़ सकता हूँ। दोस्तों चार में से और हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कैसी शायरी पसंद करते हैं, और पसंद भी करना चाहिए कि मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं। दोस्तों क्या कहने, हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले हैं, हजरत उस्मान के चाहने वाले हैं, हजरत अली के चाहने वाले हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। दोस्तों जो सहाबा को मानने वाला, जो नबी को मानने वाला, वो किसी से नहीं डर सकता। सगीर भाई चार मिसर हाजिर खिदमत कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, नबी पे बजा दीजिए ताली एक बार, नबी पे तुम लुटा दो घर, वाह, नबी पे तुम लुटा दो घर, जो होगा देखा जाएगा, नबी पे नबी पे नबी पे तुम लुटा दो घर, जो होगा देखा जाएगा, न दिल में रखो कोई डर, जो होगा देखा जाएगा, न दिल में रखो कोई डर, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें तब रेस के जैसा, तुम्हें तब रेस के जैसा कोई जय राम बुलवाए, तुम्हें तब रेस के जैसा कोई राम बुलवाए, उड़ा दो मिलके उसका सर, जो होगा देखा जाएगा, वाह 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 वाह, उड़ा दो मिलके उसका सर, जो होगा देखा जाएगा, उड़ा दो मिलके उसका सर, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया है, वहीं पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का भी पैगाम दिया है। जहां पर दिफा करने का वक्त आए, जहां तक हो सके दिफा करो, जब जालिम सर पे चढ़ने की कोशिश करे दोस्तों तलवार निकालने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मैं चार मिसरे फिर पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जी अच्छा हो, अच्छे सच्चाई है कि नहीं है, एक बार तालियां बजा करके मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ चार मिसरे।
नबी पे तुम लुटा दो घर जो होगा देखा जाएगा, नबी पे तुम लुटा दो घर जो होगा देखा जाएगा, न दिल में रखो कोई डर जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें तब रेस के जैसा कोई जय राम बुलवाए, तुम्हें तब रेस के जैसा कोई जय राम बुलवाए, उड़ा दो मिलके उसका सर जो होगा देखा जाएगा, वाह वाह वाह, उड़ा दो मिलके उसका सर जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से गजल के चंद शेर हाजरे खिदमत कर रहा हूँ, अगर मोहब्बतों के साथ सुनेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और सुनाऊंगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। बहुत अच्छा, क्या बात करो। निगाहे की बहरिया में वो किसी काबिल नहीं होता, क्या कहने हैं, निगाहे की निगाहे की बहरिया में वो किसी काबिल नहीं होता, जो पढ़कर कलमा हक दीन में दाखिल नहीं होता, होता जो पढ़कर कलमा हक दीन में दाखिल नहीं होता, वो अपने दीन की खातिर कटा देता है गर्दन भी, वो अपने दीन की खातिर कटा देता है गर्दन भी, कसम वल्लाह की मुस्लिम कभी बुज़दिल नहीं होता, वाह वाह वाह, कसम वल्लाह की मुस्लिम कभी बुज़दिल नहीं होता, अगर हम गौर कर लेते, क्या कहने, अगर हम गौर कर लेते तो ऐसे दिन नहीं आते, अगर हम गौर कर लेते तो ऐसे दिन नहीं आते, अगर हम गौर कर लेते तो ऐसे दिन नहीं आते, अगर गम गौर कर लेते तो ऐसे दिन नहीं आते, किसी भी मुल्क का पीएम कोई जाहिल, हाय 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 वाह क्या कहने, किसी भी मुल्क का पीएम बहुत खूब माशाल्लाह बहुत उम्दा, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी इस पाकीज़ा समाज को सज्जाद आज़म, ये जो कमेटी वाले हजरात बैठे हैं बहुत दूर बैठे हैं, गुजारिश है थोड़ा करीब आ जाए भाई, भाई थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, आ जाए भाई, जो तीन चार लोग ये पीछे नजर आ रहे हैं, गुजारिश आगे आ जाए, बस मुशायरा अपनी आखिरी मंजिलों को पहुँच रहा है, आ जाए भाई जी, अता हो थोड़ा सा अगर आप, मुझे पता है कि इस वक्त जितने भी बैठे हुए हैं लोग सब सुनने वाले हैं, माशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब नसीमुद्दीन अंसारी साहब को, माशाल्लाह बहुत ही जिंदा दिल शख्स हैं और जिंदा दिल नेता हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और बार बार ऐसी महफिलें ये कायम करते रहेंगे। और सगीर भाई अब यहाँ से गजल के चंद शेर में हाजिर खिदमत, अच्छा वो अच्छा 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 बड़बड़ाने लगे, वाह अच्छा अच्छा पढ़ रहा हूँ मैं, जब हवा में वो आ बता दीजिए ताली, क्या कहने, वाह, जब हवा में वो आ चल उड़ाने लगे,
जब हवा में वो आ चल उड़ाने लगे, जान कितनों के दिल फड़फड़ाने लगे। वाह क्या कहने हैं। जब हवा में वो आ चल उड़ाने लगे, जान कितनों के दिल फड़फड़ाने लगे। जख्म गुल बन गए आंख उनसे मिली, जख्म गुल बन गए आंख उनसे मिली, और दर्द जिगर मुस्कुराने लगे। वाह क्या कहने। दर्द जिगर मुस्कुराने लगे। और ये शेर नसीमुद्दीन अंसारी साहब की तरफ से, आपकी नजर कर रहा हूँ दोस्तों, शेर देखिए। अगर किसी लायक हो तो अपनी दुआओं से नवाज देना प्रास साहब को, रफी भाई को, मैं सबको शेर नजर कर रहा हूँ। ये शेर देखिए दोस्तों। जब हवा में वो आ चल उड़ाने लगे, कल्ब आशिक पे बिजली गिराने लगे, जख्म गुल बन गए आंख उनसे मिली, जख्म गुल बन गए आंख उनसे मिली, और दर्द जिगर मुस्कुराने लगे। हाय हाय क्या कहने। ख्वाब अच्छे दिनों के दिखा कर के वो, ख्वाब अच्छे दिनों के दिखा कर के वो, ख्वाब अच्छे दिनों के दिखा कर के वो, ख्वाब के दिखा कर के वो, कर के वो ख्वाब अच्छे दिनों के दिखा कर के वो, फिर वो भक्तों को उल्लू बनाने लगे। आए हाय क्या कहने। वाह भक्तों को उल्लू बनाने लगे। बनाने लगे क्या बात है। फिर वो भक्तों को उल्लू बनाने लगे। क्या कहने। किसी मुसलमान को कोई उल्लू नहीं बना सकता कि मुसलमान जानते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। एक बार तालियां बजा दीजिए इस मुशायरे की जिंदगी के लिए। जब हवा में वो आ चल उड़ाने लगे, मैंने हक बात जब कह दिया सामने, 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 जितने झूठे थे सब दिल मिलाने लगे, जितने झूठे थे सब मिलाने लगे। क्या कहने। मैंने सींचा चमन को लहू से मगर, मैंने सींचा चमन को लहू से मगर, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। क्या कहने। फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दोस्तों शेर देखिए। मैंने सींचा चमन को लहू से मगर, मैंने सींचा चमन को लहू से मगर, मैंने सींचा चमन को लहू से मगर, मुझको गद्दार कैसे बताने लगे, मुझको गद्दार कैसे बताने लगे, हम पे लगने लगी कितनी पाबंदियां, 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 सोई महफिल को जब हम जगाने लगे। वाह बाबा। सोई महफिल को जब हम जगाने लगे, जो मेरे खून से
जल रहा था दिया जो मेरे खून से जल रहा था दिया। सैयद एरा साहब शेर देखिए, शेर की गहराई के अंदर जाइए। अगर सज्जाद आजम लखीमपुरी नसीमुद्दीन भाई अगर सच कह रहा हो तो आपकी दुआएं आनी चाहिए। जो मेरे खून से जल रहा था दिया, जो मेरे खून से जल रहा था दिया, जो मेरे खून से जल रहा था दिया, जालिमों तुम उसे क्यों बुझाने लगे हो। जालिमों तुम उसे क्यों बुझाने लगे, बुझाने लगे। सारे गुंडों की जब से हुकूमत बनी, सारे गुंडों की जब से हुकूमत बनी दोस्तों, जो सज्जाद आजम लखीमपुरी ये शेर आप लोगों के दरमियान पढ़ता है, इसी अज़्म इस्तक़लाल के साथ, हिम्मत के साथ आप नेट खोल करके देख सकते हैं कि लाखों के दरमियान भी ऐसे ही अज़्म इस्तक़लाल के साथ पढ़ता है। सच है, सच है, बेशक हक है भाई। वाह, मोछ मुंडे की जब से हुकूमत, वाह 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 वाह, मोछ मुंडे की जब से हुकूमत बनी। उस्ताद शोरा जनाब डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब ने इस शेर के अंदर और ज्यादा खूबसूरती पैदा कर दी है। क्या तो कहने हैं, के लिए तालियां बजा दीजिए सारे लोग। मोछ मुंडों की जब से हुकूमत बनी, मोछ मुंडे की जब से हुकूमत बनी, मोछ मुंडे की जब से हुकूमत बनी, मोछ मुंडे की जब से हुकूमत बनी, हम शरीफों की बस्ती जलाने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शरीफों की बस्ती जलाने लगे, लगे हम शरीफों की बस्ती जलाने लगे। आप दुनिया में तशरीफ ले आए जब, आप दुनिया में तशरीफ ले आए जब। वाह, नाथ का शेर देखिए दोस्तों। जी अता हो। आप दुनिया में तशरीफ ले आए जब, 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 आसमानो जमीन जगमगाने आसमानो जमीन। रफी भाई का हुक्म है, मैं पूरी रात पढ़ता रहूंगा अगर आप लोगों की तरफ से एनर्जी मिलती रहेगी। आप दुनिया में तशरीफ ले आए जब, आप दुनिया में तशरीफ ले आए जब, आसमानो जमीन जगमगाने लगे, आसमानो जमीन जगमगाने लगे। क्या कहने, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। आपकी इस पाकीज़ा समाज को सज्जाद आजम लखीमपुरी सलाम पेश करता है। एक गजल और हाजिर खिदमत कर रहा हूँ, एक बार तालियां बजा करके मुझे इस तक हौसला दीजिए मेरा। कम किस तरह से होगा, होगा कम किस तरह से होगा, कम किस तरह से होगा, होगा कम किस तरह से होगा, दर्दे जिगर हमारा, दर्दे जिगर हमारा, कम किस तरह से होगा, कम किस तरह से होगा, दर्दे जिगर हमारा, दर्दे जिगर हमारा, जब तीर मारता है, जब तीर मारता है, रश के कमर हमारा, रश के कमर हमारा,
जाहिल में बेगुनाह में शामिल न हमको करना, शामिल न हमको करना। जाहिल में बेगुनाह में शामिल न हमको करना, शामिल न हमको करना। गालिब के कुल जहां गालिब के कुल जहां पे इल्मो हुनर गमारा, इल्मो हुनर गमारा। चार मिसरे आज की खिदमत करो सकीर भाई, अता हो जमाने वालों को बजा दिए ताली एक बार सारे लोग। जमाने वालों को, वालों को, वालों को, वालों को, जमाने वालों को। जो शेर अच्छा लगेगा आपको वो मैं वही सुनाऊंगा। मुझे पता है कि आप लोग कैसा सुनेंगे, आपके चेहरे को मैं देख के बता दूंगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए सारे लोग। जमाने वालों को, वालों को, वालों को, वालों को, जमाने वालों को हैरत में डाल सकते हैं। जमाने वालों को, जमाने वालों को हैरत में डाल सकते हैं। जमाने वालों को, जमाने वालों को हैरत में डाल सकते हैं। अमीर शेर को, अमीर शेर की पगड़ी उछाल सकते हैं। अमीर शेर की पगड़ी उछाल सकते हैं, पगड़ी उछाल सकते हैं। अमीर शेर की वाह वाह। हमारे दीन पे सगीर भाई आप बार बार क्या कहने हैं, वाह आता हो, आता हो। ये लोग आपको देख रहे हैं, जब आपकी हरकत को देखते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ, तो थोड़ा सा सुकून से सुन ली आता हो। जमाने वालों को हैरत में डाल सकते हैं, जमाने वालों को हमारे दीन पे, हमारे दीन पे उंगली उठा रहे हैं जो, हमारे दीन पे, हमारे दीन पे उंगली उठा रहे हैं जो, हमारे दीन पे, हमारे दीन पे उंगली उठा रहे जो, हम उनकी आंखों की, आंखों की, आंखों की, हम उनकी आंखों की पुतली निकाल सकते हैं। हम उनकी आंखों पुतली निकाल सकते हैं, क्या कहने हैं। हम उनकी आंखों की पुतली, आंखों की पुतली निकाल सकते हैं, क्या कहने हैं। वाह। हम उनकी आंखों की पुतली निकाल सकते हैं, हम उनकी आंखों की। दोस्तों जो जाते जाते मैं कुछ पाकीज़ा शेर सुना करके अपनी जगह ले रहा हूँ। फहरिस्त भी तवील है, वक्त भी ज्यादा है। अब मैं जाते जाते जी अता हो। वाह। अगर माँ बाप की खिदमत, वाह वाह, अगर माँ अगर माँ बाप की खिदमत कोई बेटा नहीं करता, क्या कहने हैं। अगर माँ बाप की खिदमत कोई बेटा नहीं करता तो फरमा ने नबी हुक्मे खुदा पूरा नहीं करता, तो फरमा ने नबी हुक्मे खुदा पूरा नहीं करता। दोस्तों एक वक्त था कि सुबह सुबह
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں قرآن شریف ہوا کرتا تھا، اس کی ہم تلاوت کرتے تھے۔ اب وقت کیا آ گیا ہے دوستوں، کس چیز پہ ہماری پہلی نظر پڑتی ہے؟ ساتھ بھائی دیکھیے، اگر ماں باپ کی خدمت کوئی بیٹا نہیں کرتا تو فرمانِ نبی حکم خدا پورا نہیں کرتا، مسلمان کس قدر مصروف، مسلمان کس قدر مصروف ہے اب نیٹ کی دنیا میں تلاوت کی صدا سے گھر کوئی گونجا نہیں کرتا، بہت اچھے جناب سجاد رکھے، کوئی گونجا نہیں کرتا تلاوت کی صدا سے گھر کوئی گونجا نہیں کرتا، وہ دریا یہ مقدس میں مسلسل غسل کرتا ہے، وہ دریا یہ مقدس میں مسلسل غسل کرتا ہے، وہ دریا یہ مقدس میں مقدس میں مسلسل غسل کرتا ہے، ریا کا ری کے دھبے عشق سے دھویا نہیں کرتا، ریا کا ری کے دھبے عشق سے دھویا نہیں کرتا۔ اور نسیم الدین انصاری صاحب، یہ کڑوا سچ سجاد اعظم لکھیم پوری اپنے شعر کے اندر کہنے کی کوشش کر رہا ہے، سیاست کی بلندی پر پہنچنے کے لیے نیتا، سیاست کی بلندی پر پہنچنے کے لیے نیتا، سیاست کی بلندی پر پہنچنے کے لیے نیتا، فساد و قتل غارت کے سوا کچھ کیا نہیں کرتا، فساد و قتل غارت کے سوا کچھ کیا نہیں کرتا، بڑی حکمت سے دیتا ہے خدا کو آج بھی دھوکھا، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں، واہ، بڑی حکمت سے دیتا ہے خدا کو آج بھی دھوکھا، بڑی حکمت سے دیتا ہے خدا کو آج بھی دھوکھا، بس اچھی بات کرتا ہے، بس اچھی بات کرتا ہے عمل اچھا نہیں کرتا، واہ واہ واہ، اچھی بات کرتا ہے عمل اچھا نہیں کرتا، تیرا اعظم کے فاقہ کش، واہ واہ کیا کہنے، تیرا اعظم کے فاقہ کش مگر روٹی کے لالچ میں، تیرا اعظم کے فاقہ کش مگر روٹی کے لالچ میں، تیرا اعظم کے فاقہ کش مگر روٹی کے لالچ میں، امیر شہر کی دہلیز پہ سجدہ میرے شہر کی دہلیز پہ سجدہ نہیں کرتا، اگر ماں باپ کی خدمت کوئی بیٹا نہیں کرتا۔ دوستو آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اب میرا پسینہ نکلا ہے، میری آواز بھی کھلی ہے، ماشاء اللہ
आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं दोस्तों। चंद शेर और हाजिर खिदमत करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। एक बार मैं पुराने पाक पढ़ रहा था, पुराने पाक पढ़ते पढ़ते मेरी एक आयत नजर पड़ जाती है, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। क्या कहने वाह, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम ईमान वाले हो। कोई जालिम और जाबिर बादशाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम ईमान वाले हो। दिल खैराबादी ने कहा है कि जो बोओगे वो काटोगे, बात अटल है। जालिम को बुरा क्यों कहें, आमाल का फल है। सज्जाद आजम लखीमपुरी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक बार तालियां बजा दीजिए इस मुशायरे के लिए, मुझे इजाजत दीजिए। जब तक हमारे कल्ब में ईमान रहेगा, ईमान रहेगा, तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा। वाह, निगहबान रहेगा, तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा, निगहबान रहेगा। जालिम के लिए अपना ये ऐलान रहेगा, जालिम के लिए अपना ये ऐलान रहेगा। अरे जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा। मुसलमान, जब तक रहेगी दुनिया, जब तक रहेगी दुनिया मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा। सूली पे चढ़ा दे। वाह, क्या कहने, सूली पे चढ़ा दे। क्या कहने हैं, जब तक हमारे कल्ब में ईमान रहेगा, ईमान रहेगा, तब तक खुदा हमारा निगहबान रहेगा, निगहबान रहेगा। सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे, या शोलों में जला दे। सूली पे चढ़ा दे या तो सूली पे चढ़ा दे, या तो सूली पे चढ़ा दे, या तो सूली पे चढ़ा दे, या तो शोलों में जला दे, या शोलों में जला दे। सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे, सूली पे चढ़ा दे या तो शोलों में जला दे। जिंदा हमारे कल्ब में कुरान रहेगा। मासूम की इज्जत से जो आसिफा को जहन में रखिए, मासूम की इज्जत से जो मंदिर में खेले, जो मंदिर में खेले, मासूम की इज्जत से जो मंदिर में खेले, मासूम की इज्जत से जो मंदिर में खेले। अरे शर्मिंदा ऐसे भगतों से भगवान रहेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह। शर्मिंदा ऐसे भगतों से भगवान रहेगा, भगवान रहेगा। रुसवा सरे बाजार जो खुश है मुझे करके,
जो खुश है मुझे करके, जो खुश है मुझे करके, रुसवा सरे बाजार, जो रुसवा सरे बाजार, जो खुश है मुझे करके, जो खुश है मुझे करके, रुसवा सरे बाजार, जो खुश है मुझे करके, रुसवा सरे बाजार, जो खुश है मुझे करके। अरे इज्जत वो मेरी देख के, इज्जत वो मेरी देख के, इज्जत वो मेरी देख के हैरान रहेगा, वाह हैरान रहेगा, इज्जत वो मेरी देख के हैरान रहेगा, हैरान रहेगा। सजाद उनके जिस्म ना, क्या कहने, सजाद उनके जिस्म ना दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी, सजाद उनके जिस्म ना, सजाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी, न दोज़ख जलाएगी, सजाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी, सजाद उनके जिस्म न दोज़ख जलाएगी। अरे महफूज जिनके सीनों में, महफूज जिनके सीनों में, महफूज जिनके सीनों में कुरान, वाह वाह वाह